पब्लिक टीवी आपकी आवाज। फिल्म बेलगाम की लॉन्चिंग शुक्रवार को पूरे भारतवर्ष में बड़ी ही धूमधाम के साथ की गई। फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में भी दर्शकों की भीड़ रही। कुछ यही हाल मुरादाबाद में भी सिनेमा घरों में देखने को मिला। फिल्म बेलगाम उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी क्राइम के साथ राजनीतिक दबाव में प्रशासन के चेहरे को भी दर्शाती है। फिल्मी कलाकारों की हर अदा पर दर्शकों ने तालियां बजाई तो सभी दर्शकों ने फिल्म की सराहना भी खूब की। ये फिल्म एक्शन, रोमांस, कॉमेडी सभी का एक मिला जुला केंद्र रहा, जो दर्शकों को बखूबी पसंद आया। इस दौरान पब्लिक टीवी से जब फिल्म के निर्देशक डीपी सिंह उर्फ देव से बात की गई तो उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। इसका एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे प्रदेश में या पूरे देश में बाहुबली लोग होते हैं वो पूरी सरकार को, कानून व्यवस्था को उथल पुथल कर रहे थे, तो उनको कैसे रोका जाए इसी पर आधारित है। हमारे दर्शकों को मैंने अभी ये निगरानी में मूवी को देखा है और मैं समझता हूँ दर्शक काफी उत्साहित है और उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को आगे भी जो आएंगे उनको भी अच्छी है। जनता से सिर्फ एक ही अपील करना चाहूंगा कि ये मुरादाबाद जैसे छोटे शहर में बनी हुई है जिसको आगे बढ़ाना जनता के हाथ में। तो वहीं दर्शकों को भी फिल्म ने खूब लुभाया। फिल्म को देखकर दर्शक भी खूब गदगद हुए। इस दौरान सभी ने फिल्म की जमकर तारीफ की। जो हमारे रुद्रा है और जो रोशन जो बने हैं उनको देखने के लिए वो भी बहुत औसम वेरी गुड। स्पेशली जो डायलॉग है कि हम पीतल से क्या डरेंगे, हम तो पीतल नदी में ही है, स्पेशली को मुरादाबाद में। मेन उद्देश्य ये है कि कितना भी आप बुरा कर लेकिन अगर जब पुलिस कुछ नहीं करती है तो नॉर्मल लोगों को ही कानून अपने हाथ में लेना पड़ता है और तभी सब कुछ हो पाता है। मूवी बहुत गुड, मूवी में वो भी बहुत अच्छी है, मूवी बहुत अच्छी है। प्लीज आए देखें, मुरादाबाद को भी जाने, बहुत अच्छा शहर है। मेरा नाम अस्मा है और मैं अलीगढ़ से आई हूँ। मुझको ये फिल्म यहाँ पर ऐसी फिल्में शूट होना चाहिए और लगना चाहिए यहाँ पर। अगर मुझे ये है कि भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ रहा है, ज्यादा यहाँ पर गुंडागर्दी ज्यादा अगर बढ़ रही है, मुरादाबाद अच्छा ही है। यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं होना चाहिए, अच्छा कल्चर होना चाहिए। मुझको बहुत अच्छी लगी, सारे किरदार बहुत अच्छे लगे, सारे कैरेक्टर बहुत अच्छे थे और उनका का भी कैरेक्टर बहुत अच्छा था और रोशन सिंह का भी बहुत अच्छा कैरेक्टर था और टीम का कैरेक्टर बहुत अच्छा था। आपको बता दें मुरादाबाद के लिए एक गर्व की बात है कि देव फिल्म प्रोडक्शन द्वारा बनी फिल्म बेलगाम देव सह निर्माता राजेंद्र कुमार टंडन, ऑडिटर अमित राजपूत ने किया है। वहीं सभी कलाकारों की अदाकारी भी सभी दर्शकों को खूब लुभा रही है। जैसे कि सभी जानते हैं फिल्म बेलगाम मुरादाबाद में भी रिलीज हो चुकी है, उसी कड़ी में आज निगरानी सेलिब्रेशन में भी फिल्म लगी है। इसी को लेकर आज हमारी पब्लिक टीवी की टीम फिल्म निगरानी सेलिब्रेशन पहुंची है जहां दर्शकों ने फिल्म को बहुत ही रोमांचक तरीके से देखा है। आइए हम जानते हैं दर्शकों से बातचीत करते हैं कि उन्हें ये फिल्म कैसी लगी। रीजन ये है उनकी फिल्म लगी है बेलगाम, इसका क्या उद्देश्य रहा, आपको कैसे लगी? ये फिल्म बहुत अच्छी लगी और मैं बधाई देना चाहता हूँ फिल्म बनाई है देव जी ने, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। आज जो यूपी के अंदर जो सिस्टम खराब हो चुका है उसको लेकर उन्होंने जागरूक करने के लिए पुलिस को बहुत अच्छा लगा। अगर वो लोग इस फिल्म से कुछ सीखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ फिल्म हिट तो ज़्यादातर कलाकारों को कुछ अच्छे काम लगा, ये लोगों ने अपने जनता से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग आइए निगरानी सिनेमा में और 2:20 पर फिल्म आपकी इसमें दिखाई जा रही है, एक बार जरूर देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है और इस फिल्म से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, समाज के लिए एक अच्छा मैसेज।